नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले में कुछ गरीब परिवार आवास को लेकर दर दर ठोकर खाने को है मजबूर। सिद्धार्थनगर जिले में कुछ गरीब परिवार आवास को लेकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आवास देने के नाम पर गरीबों से ग्राम प्रधान ने उससे 5,000 रुपए भी ले लिए हैं और पैसे लेने के बाद भी इन गरीबों को अभी तक आवास नहीं मिला है। गरीब परिवार पात्र होने के बावजूद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। टूटे फूटे घर में पन्ने तान कर रह रहा गरीब परिवार का यह नज़ारा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक के पास डिलिया गांव का है। यह गरीब कई पुस्तकों से इस गांव में रह रहे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले इन गरीबों का घर बिल्कुल नहीं है। ठंडक और बरसात में यह इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है, मगर अफसोस कि इनकी यह गरीबी और टूटा हुआ घर गांव के प्रधान और सेक्रेटरी को नजर नहीं आ रहा है। उनकी निगाह में यह परिवार आवास के लिए अपात्र है। परिवार वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी आवास देने के लिए उससे 5,000 रुपए ले लिया है, फिर भी उनको वहीं तक आवास नहीं मिल सका। कई बार ग्राम प्रधान से कहने पर भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। पेशे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। समस्या यह भैया की कान, हम प्रधान ने कहा कि हमको 5,000 रुपए दे दो, 3 साल हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला है। और छोटे छोटे बच्चे, हमारा आदमी विकलांग हो गया, हमारे बच्चे सब कहाँ जाए, न जमीन मिला न घर बना, सब सारा चूता है। देखो पन्नी सब तान के हैं, हम लोग कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चे लेके, बहुत परेशानी हमारे घर पे है। प्रधान आपसे कहे पैसा लेना? प्रधान यही लिए पैसा लीन कि हम घर गिरा ही देवे, पर घर गिरा ही ना, दो लड़की हैं इसीलिए हम शादी ब्याह नहीं कर पाए। यही है भैया कि हम लोग के पास घर नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सब, और प्रधान जी से हम लोग ने कहा तो प्रधान जी कहने लगे कि हमें मतलब कुछ पैसा चाहिए, पैसा दे दीजिए घूस और क्या नाम है, हम आपको आवास पास करा देंगे। और उसके बाद हम लोग ने आवास पैसा दिया तो 5,000 रुपया, फिलहाल 2.5-3 साल हो गए वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, टरका रोज देते रहते हैं, आज करवा देंगे कल करवा देंगे, कुछ नहीं हम लोग की सुन रहे हैं भैया। और जब बारिश का मौसम आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारा घर चूने लगता है, टपकने लगता है, और हम लोग बच्चों को अपने लेकर के घर में पड़े रहते हैं, कुछ खाने पीने को अगर मिला तो ठीक है, नहीं हम लोग भूखे सो जाते हैं। मेरा आदमी मेहनत मजदूरी करता है और जो लाता है वही खाते हैं, और खाने को मिला तो ठीक है, नहीं हम लोग भूखे सो जाते हैं। प्रधान जी के पास जब गए तो वो लोग वो कहने लगे आज मिलेगा कल मिलेगा, और क्या नाम है, हम लोग सोचे थे कि हम लोग को मिल जाएगा तो रहने का ठिकाना कुछ हो जाएगा, और प्रधान जी कहने लगे क्या नाम है, आज मिलेगा कल मिलेगा, वही बात घूम घूम कर रहे हैं भैया, ना आवास मिला और ना हमारा पैसा मिला। और हम लोग को रोज यही कहते हैं और रोज टरका देते हैं भैया, हम लोग का कोई कुछ नहीं कर रहा है। समस्या ये है कि हम दूसरे के घर में रह रहा हूँ और प्रधान जी आवास नहीं पास कर रहे हैं, 2-2.5 साल हो गया है, पैसा भी ले लिए है 5,000 रुपया, जाता हूँ तो फिर बोल रहे हैं कि आज बिहान कर रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे, हम दूसरे के घर में रह रहा हूँ, बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सोचा कि हम लोग का पैसा भी दे दें, हम दूसरे घर में रहे थे और पैसा भी नहीं दिए थे, हम बरसात का सीजन आई हम तिरपाल तान के रही थे कि हमें पैसे में दे दें, आवाज़ पास करा दिए, आवाज़ भी पास नहीं करा दिए थे, हमारे लोग कहाँ जाए बरसात। डुमरियागंज ब्लॉक में गांव बसिया वहाँ के लोगों का आरोप है कि प्रधान ने और ग्राम रोजगार सेवक ने उनसे 5-5 हज़ार रुपये लिए थे आवास दिलाने के लिए, लेकिन तब ना ही आवास मिला है और ना ही पैसा वापस। ये आपके माध्यम से शिकायत जो है ये संज्ञान में आई है अभी, तो इसकी हम वीडियो से जांच करा ही लेंगे, और एक बार जैसे ही हमें शिकायत इसकी प्राप्त भी हो जाएगी जिन व्यक्तियों ने जो शिकायत की है, तो हम उसकी गहन जांच करा के नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर सत्य पाई जाती है तो।